हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 341 से 355 तक। तो देखते हैं 341। 341 में पूछ रहा है टू लोड्स पी एक्स एट अ राइट एंगल्स टू अनदर, एक दूसरे से राइट एंगल पर लग रहे हैं दो लोड एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। एक कैंटिलीवर बीम है, उसके एंड में क्या लग रहे हैं, दो लोड लग रहे हैं, दोनों क्या हैं राइट एंगल पर हैं, 90 डिग्री पर लग रहे हैं। हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन डी बाई डी एंड लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, डी बाई डी दिया गया है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ कितनी दी है, एल एल दी गई है, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम विल बी इक्वल टू, तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं किस तरीके से, इस तरीके से ये हमारी क्या है, कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। यहाँ पर लोड पी एक ये लग रहा है, फ्री एंड पर दो लोड लग रहे हैं, एक लोड ये हो गया और एक लोड ये हो गया, दोनों क्या लग रहे हैं राइट एंगल पर लग रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, जिसकी लेंथ एल दी गई है। तो इस केस में जो बेंडिंग मूवमेंट होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, इसके कारण होगा, पी के कारण। तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट ए पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा, पी इंटू में एल, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हो गया पी इंटू एल, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ये आ गया, तो ये अपन हमारी जो बेंडिंग इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन बाई बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे। अगर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी, एम बाई जेड, ठीक है। और जेड की वैल्यू क्या होती है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए या स्क्वायर सेक्शन के लिए, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो ये डी और बी, तो यहाँ से अपन जेड इक्वल टू निकालते हैं आई अपॉन वाई, आई क्या होता है बी डी क्यू अपॉन 12, बी डी क्यू अपॉन में 12, और वाई क्या होगा, यहाँ से आई निकालते हैं, अगर आई क्या होता है हमारा बी डी क्यू अपॉन में 12, ठीक है, और आई अपॉन वाई, वाई क्या हो जाएगा डी बाई टू, तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आता है हमारा बी डी स्क्वायर अपॉन में 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो बी डी स्क्वायर अपॉन में 6 ये रेक्टेंगल के लिए है, अगर स्क्वायर के लिए देखेंगे तो स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, ये बी और डी क्या हो जाएगा सेम है, तो ये क्या हो जाएगा डी क्यूब अपॉन में 6, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अपन, बी डी स्क्वायर अपॉन में 6 है रेक्टेंगल के लिए, तो बी और डी सेम है तो ये क्या हो जाएगा डी क्यूब अपॉन में 6, 6 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6 पी एल अपॉन में डी क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी 6 पी एल अपॉन में डी क्यूब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 342। इन अ प्लेट वेल्ड द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी अप्लाइड इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन अपन बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं इसमें। तो ये इस तरीके से पैरेलल प्लेट वेल्ड में ये हमारा क्या है, वेल्ड लेंथ है, और ये जो एच है, एच क्या होती है हमारी लेग लेंथ होती है, इस तरीके से वेल्डिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लोड लग रहा है पी लोड लग रहा है इधर, और ये पी लोड इधर लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो टी है, यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है वो क्या है हमारा थ्रोट कहलाता है। तो प्लेन ऑफ द मैक्सिमम शियर इन पैरेलल प्लेट वेल्ड, अगर हम क्या निकालें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालें इसमें, तो इसमें ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है फॉर बेटर विजिबिलिटी। तो यहाँ पे ये बी और सी एक लेंथ ले ली अपन ने, ये वाली जो लेंथ है बी सी क्या है, एच है, ये बी सी इसको पॉइंट दे दिए गए हैं। तो ये हमारी जो ये वाली जो लेंथ दिख रही है, ये वाली जो लेंथ है वो हमारी क्या है थ्रोट है, ठीक है, और ये वाली जो है एच है लेग लेंथ। तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू किसके बराबर है, बी ई और ई सी के, बी ई और ई सी, ठीक है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी, तो यहाँ से बी ई इक्वल टू क्या है हमारा, बी ई अगर निकालेंगे ये एंगल थीटा है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस से बी ई, तो यहाँ पे बी ई क्या हो गया बेस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो गया टी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बी इक्वल टू आ गया टी कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही अपन अगर इसी में क्या निकालें, अपन में डी ई निकालें, इसके बाद अगर डी ई निकालते हैं, डी इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, एंगल थीटा है, तो डी क्या हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो अपन साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा डी ई अपॉन में हाइपोटेनस टी, तो टी साइन थीटा हो जाएगा, ये डी ई इक्वल टू क्या हो गया टी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बी सी इक्वल टू किसके बराबर है, बी ई प्लस में
ईसी, और ईसी किसके बराबर है, डी के, ईसी इक्वल टू है डी के, तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर देंगे, एच इक्वल टू बी सी इक्वल टू टी कॉस टीटा प्लस में साइन टीटा, ठीक है। तो थ्रोट थिकनेस यहाँ से पर अगर निकालेंगे तो टी इक्वल टू आएगा एच अपॉन साइन टीटा प्लस में कॉस टीटा, और थ्रोट एरिया क्या होगा, ये लेग लेंथ इंटू में थिकनेस, तो एल इंटू टी थ्रोट एरिया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थ्रोट एरिया आ गया हमारा पास, शियर स्ट्रेस निकालेंगे अगर अलॉन्ग द थ्रोट एरिया, तो क्या होगा, एवरेज फोर्स लेंगे, एवरेज शियर फोर्स अपॉन में एरिया, तो एवरेज फोर्स क्या होगा, पी बाई टू अपॉन में टी इंटू में एल, तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू, यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू आएगा पी बाई टू साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में एल इंटू एच, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए, जहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन निकालेंगे, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए इसको थीटा के टर्म में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू जीरो रख देंगे, तो यहाँ से थीटा हमारा निकल के आ जाएगा, तो थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आएगा, टेन थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो सो थ्रोट एरिया लाइज एट 45 डिग्री फ्रॉम द लेग लेंथ, लेग लेंथ से जो थ्रोट एरिया है वो हमारा, ये लेग लेंथ है, इससे थ्रोट एरिया हमारा कहाँ पे, 45 डिग्री पे होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये वाला जो पोर्शन है इसका डायग्राम बनाता हूँ, ये वाला डायग्राम जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये इस तरीके से होगा हमारा, ये वाला डायग्राम है इस तरीके से है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये टी है, ठीक है, और ये क्या है, एच है, तो ये जो एंगल निकला वो हमारा कितना निकला है, 45 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन निकालें कॉस थीटा इक्वल टू, निकालें कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस टी, बेस आएगा हमारा टी अपॉन में हाइपोटेनस एच है, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच कॉस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स, टी इक्वल टू आ जाएगा एच कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या आ गया, टी इक्वल टू आ गया एच कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू रख दी 45, तो ये क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू आएगा 0.707 एच, एच क्या है यहाँ पे, लेग लेंथ है, ठीक है। तो जो लोड आएगा, मैक्सिमम लोड क्या आएगा, शियर स्ट्रेस, लोड अपॉन एरिया होता है, तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो यहाँ से एरिया का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ठीक है, और फोर्स निकल आएगा हमारा, तो यहाँ पे फोर्स क्या निकलेगा, ये निकलेगा पी मैक्सिमम इक्वल टू टाउ मैक्स इंटू में एरिया क्या हो जाएगा, टी इंटू एल होगा एरिया, तो टी इंटू एल, टी की वैल्यू रख देंगे ये, और एल हमारी लेंथ हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, पी मैक्स इक्वल टू टाउ मैक्स इंटू में 0.707 एच इंटू में एल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपन पहले भी डिस्कस कर, एक बार फिर से डिस्कस कर दिया मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 0.707, और एसएस क्या है यहाँ पे, शियर स्ट्रेस है, परमिजिबल शियर स्ट्रेस, और फ्लेट साइज क्या है, एच लेग लेंथ बोल सकते हैं या फ्लेट साइज बोल सकते हैं, और एल क्या है हमारा, बेल्ट लेंथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर इसेंट्रिकली लोडेड स्टड्स, जो इसेंट्रिकली लोडेड स्टड्स होते हैं उसके बारे में पूछा गया है कि उसमें किस प्रकार के मेंबर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले तो इसेंट्रिकली लोडेड स्टड्स कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। वी हैव ऑलवेज रेफर्ड द केसेज वेन द लोड एक्ट्स एक्जियली ऑन द कॉलम, अगर एक्जियली कोई लोड लग रहा है तो वो क्या होगा, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड कॉन्साइड विद द एक्सेज ऑफ द कॉलम, ठीक है फ्रेंड। लाइन ऑफ एक्शन क्या करेगा, उसके एक्सेस से कॉन्साइड करेगा, अगर इस तरीके से हमारा क्या लगेगा, लोड लगेगा, कंप्रेसिव लोड, ये पी लगेगा, ये क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा, उससे कॉन्साइड करेगा, तो ये इस तरीके से लोड लग रहा है तो वो एक्जियली लोड लग रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव अन एक्जियल लोड ऑन द कॉलम और स्टड्स एंड अन इसेंट्रिक लोडिंग टेक्स प्लेस, तो उस केस में क्या होता है, इसेंट्रिक लोडिंग लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसेंट्रिक लोडिंग मतलब ये हमारा इस तरीके से कोई मेंबर है, ठीक है, ये एक्स एक्सेज हो गया, ये वाई एक्सेज हो गया, तो जो लोड लग रहा है, लोड सपोज यहाँ पे लग रहा है हमारा, ये लोड लग रहा है इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, इसेंट्रिक पे हो गया, ये इसेंट्रिसिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे लगा रहे हैं एक्स एक्सेज पे, वाई एक्सेज पे, तो ये यहाँ पे लोड लग जाएगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी, इस तरीके से लोड लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो हमारा क्या कहलाता है, इसेंट्रिक लोड। तो इसेंट्रिक लोड के लिए जो फॉर्मूला निकलता है, रैंकाइन फार्मूला, वो क्या होता है, व्हेन ए कॉलम इज सब्जेक्टेड टू अन इसेंट्रिक लोडिंग द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इज गिवन बाय, तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगी, वो हो जाएगी हमारी ये
पी बाई ए प्लस में एम बाई जेड, पी अपॉन ए प्लस में ये एम की वैल्यू रख दी पी इंटू ई। तो ये इस तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा लोड है ठीक है, यहाँ पे ये लोड लग रहा है पी, कंप्रेसिव लोड लग रहा है सपोज ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी ये ई बाई हो जाएगी ठीक है। तो इसमें जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पी इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी इसेंट्रिसिटी, तो पी इंटू ई क्या हो जाएगा एम हो जाएगा अपॉन में जेड ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से ये होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड हमारा क्या होता है, आई अपॉन वाई होता है, तो आई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे ठीक है, आई की वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या आ गया हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस आ गई। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, ये आ रही है इफ सिग्मा सी एस इज द परमिजिबल क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द गिवन मटेरियल देन द सेफ क्रशिंग लोड। अगर सिग्मा सी एस हमारा क्या है, क्रशिंग स्ट्रेस है, तो ये परमिजिबल शेयरिंग क्रशिंग स्ट्रेस है, पी अपॉन ए वन प्लस में पी इंटू ई इंटू वाई अपॉन में आई मिनिमम। तो जो क्रशिंग स्ट्रेस है सिग्मा क्या है हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिग्मा क्या है हमारा जो क्रशिंग स्ट्रेस, सिग्मा सी की वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आई मिनिमम ठीक है। अगर आई की वैल्यू कम होगी, आई की वैल्यू क्या है कम होगी, तो जो परमिजिबल स्ट्रेस है वो हमारी क्या होगी इंक्रीज करेगी, मतलब जो परमिजिबल जितनी भी स्ट्रेस होगी वो उसकी वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी। अगर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, तो जो क्रशिंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कम हो जाएगी ठीक है फ्रेंड्स। तो जिसके अगर ऐसे सेक्शन को हम क्या करेंगे प्रिफर करें, आई की वैल्यू क्या हो जिसके लिए कम हो ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन में देखते हैं, सॉलिड मेंबर के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, अगर सर्कुलर सेक्शन ले तो अपन सर्कुलर सेक्शन के लिए जो पाई बाई क्या होता है, पाई बाई 64 डी टू द पावर 4, अगर इसी में हॉलो सेक्शन के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 64 इंटू में कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस में स्मॉल डी टू द पावर 4 ये होता है। तो यहाँ पे जो आई है ये वाली हॉलो के लिए क्या है आई की वैल्यू कम है, और सॉलिड के लिए आई की वैल्यू क्या होती है ज़्यादा होती है। तो हमें कौन सा प्रिफर करना है, जिसके लिए आई की वैल्यू क्या हो कम हो, तो हॉलो मेंबर्स को ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया जाता है ठीक है, इसेंट्रिकली लोडेड मेंबर्स के लिए ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 344। इन इसेंट्रिकली लोडेड मेंबर ए न्यूट्रल एक्सिस कैन बी ड्रॉन बाई जॉनिंग द पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट परमिजिबल इसेंट्रिसिटी इन ईच कोऑर्डिनेट डायरेक्शन बाई सिमेट्री फॉर न्यूट्रल एक्सिस एग्जिस्ट इन द सेक्शन दीज लाइन्स फॉर्म द बाउंड्रीज ऑफ ए कोर नॉन एज कर्न। तो कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग विद इन द कर्न ऑफ ए सेक्शन, तो जो कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा, सपोज ये हमारा एक मेंबर है ठीक है, ये इस तरीके से हमारा मेंबर है, इसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है कहीं ये, तो इसेंट्रिसिटी किसी इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, ये इसेंट्रिसिटी दे देते हैं इसको ई वाई, अगर इधर लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा ई एक्स हो जाएगा ठीक है। इस तरीके से अगर ये कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो जो स्ट्रेस होगी वो स्ट्रेस क्या होगी, तो ये इस तरीके से हमारा मेंबर था यहाँ पे इस तरीके से, ये अगर इसमें क्या लग रहा है, ये लोड लग रहा है हमारा पी ठीक है। तो यहाँ पे अपर फाइबर में क्या होगा सिग्मा ए माइनस में सिग्मा बी, और जो लोअर फाइबर है उस पर क्या होगा सिग्मा ए प्लस में सिग्मा बी ठीक है। ये स्ट्रेस जनरेट होगी और यहाँ पे ये स्ट्रेस जनरेट होगी, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगी ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि जो बाउंड्री रहेगी कर्न की, जो बाउंड्री रहेगी मतलब इस तरीके से अभी इसेंट्रिसिटी वाला निकालेंगे अपन, तो ये जो बाउंड्री आएगी इसके अंदर, इस बाउंड्री में कौन सी स्ट्रेस रहेगी उसके बारे में पूछा गया है ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं, इसमें मिडिल थर्ड रूल का अपन यूज करेंगे। मिडिल थर्ड रूल क्या होता है, मिडिल थर्ड रूल स्टेट दैट नो टेंशन इज डेवलप्ड इन ए बॉल और फाउंडेशन इफ द रिजल्टेंट फोर्स लाइज विद इन द मिडिल थर्ड ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के मिडिल थर्ड में अगर वो लाई करता है रिजल्टेंट फोर्स, तो उसमें क्या होगा कोऑर्डिनेट
कोई भी टेंशन नहीं लगेगा उसमें, कोई टेंशन फोर्स नहीं आएगा। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसीडर किया तो उसके लिए जो स्ट्रेस होती है एट एनी पॉइंट इज गिवन बाई, स्ट्रेस दी जाती है सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस माइनस में पी एच एक्स अपॉन में आई वाई वाई प्लस माइनस पी के वाई अपॉन में आई एक्स एक्स। तो ये एच एक्स ही ये हो गया एक्स डायरेक्शन में, तो एच एक्स और के वाई डायरेक्शन में, तो इसलिए के वाई। ठीक है फ्रेंड्स, जो कर्न होता है, कर्न क्या होता है, द कर्न ऑफ फुटिंग इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ फुटिंग वेयर द होल फुटिंग अंडरगोज कंप्रेसिव प्रेशर। तो उसमें क्या होता है, पूरी फुटिंग में क्या लगता है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कर्न कहते हैं। व्हेन द लोड इज अप्लाइड इन द अदर प्लेसेस एक्सेप्ट फॉर द सेंटर, अगर जो लोड है सेंटर में अप्लाई नहीं कर रहे हैं किसी दूसरे प्लेस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उस बाउंड्री में क्या लगेगा, ओनली कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, उस बाउंड्री को क्या कहते हैं हम, कर्न कहते हैं या कोर कहते हैं। ठीक है, तो लोडिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ कर्न कॉज्ड बाय प्रेशर, प्रेशर के कारण लगती है एट द एज ऑफ फुटिंग टू बिकम जीरो। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मिडिल थर्ड रूल अपन रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए निकालें, तो ये फॉर नो कंडीशन, नो टेंशन कंडीशन क्या होती है, इसके लिए इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू जेड अपॉन ए, ये कंडीशन रहती है। या फिर इसको दूसरे उसमें भी लिख सकते हैं, जो सिग्मा मिनिमम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, सिग्मा मिनिमम ग्रेटर देन जीरो, या सिग्मा मिनिमम क्या थी हमारी, सिग्मा ए माइनस में सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा ए क्या है डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होती है पी अपॉन ए, और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है एम बाई जेड, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये एक ही कंडीशन है, दोनों से अपन निकाल सकते हैं, तो अपन ये वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन जेड बाई ए, तो इसेंट्रिसिटी एक्स डायरेक्शन में अगर ले रहे हैं अपन, तो एक्स डायरेक्शन में ई एक्स शुड बी लेस देन जेड एक्स एक्स अपॉन में ए, ई एक्स शुड बी लेस देन आई, जेड क्या होता है आई अपॉन बाई अपॉन में एरिया, तो इसको अपन वैल्यू पुट करेंगे, आई क्या होता है बी डी क्यू अपॉन में 12, और वाई क्या हो गया डी बाई टू, ये डी है तो डी बाई टू हो जाएगा वाई, और अपॉन में एरिया 1 अपॉन बी इंटू डी, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। ठीक है, ये कितनी आएगी डी अपॉन 6 आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये डी अपॉन में 6 आएगा, डी अपॉन 6। ठीक है, ऐसे ही अपन ई वाई लें, ई वाई लेंगे तो ये क्या हो जाएगा जेड वाई वाई अपॉन में ए, तो ई वाई शुड बी लेस देन आई वाई वाई अपॉन में वाई, आई वाई की वैल्यू रखेंगे डी बी के अपॉन में 12 इंटू बी वाई टू, और इंटू में 1 अपॉन बी इंटू डी, तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा बी वाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा है ये ई एक्स हो गई, यहाँ पे सेंटर से किसी डिस्टेंस पर लग रहा है, ये यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट लिया अपन ने, तो ये क्या हो गया ई एक्स, ई एक्स कितना है डी बाई 6, और ऊपर भी डी बाई 6, तो ये डी बाई 6 प्लस डी बाई 6 कितना आ जाएगा डी बाई 3, तो इसलिए ये कितना आ रहा है डायमीटर का, डेप्थ का थर्ड आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल बोलते हैं। ठीक है, और सर्कुलर सेक्शन में ये मिडिल फोर्थ रूल बोला जाता है, क्योंकि उसमें आता है डी बाई 4 आता है, ये आएगा डी बाई 8 आता है, वो निकाल के देखेंगे अभी आगे, डी बाई 8 आता है और ये क्या हो जाएगा डी बाई 4 हो जाएगा, इसलिए इसको मिडिल फोर्थ रूल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एरिया, जो हमारा शेडेड एरिया है, इस एरिया के बाहर अगर फोर्स लगेगा, तो इसके बाहर जो फोर्स लगेगा उसमें हमारा टेंशन लग सकता है, लेकिन इस एरिया के अंदर अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो हमारा क्या रहेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके लिए कंडीशन क्या है हमारी, क्या होना चाहिए रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, डी बाई 6, बी बाई 6 और डी बाई 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है डी बाई 3, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैन नॉट प्रोड्यूस टेंसाइल स्ट्रेस, तो उस एरिया में, कर्न एरिया में या कोर एरिया में क्या होता है, कोई टेंसाइल फोर्स नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये सर्कुलर सेक्शन है फ्रेंड्स और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसके लिए दोनों के लिए बनाया गया है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, इसके लिए जो होता है वो क्या होता है बी बाई 6 इसेंट्रिसिटी, और सर्कुलर सेक्शन के लिए आर बाई 4, आर बाई 4 या डी बाई 8। ठीक है, ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 345 में, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड एवरेज शियर स्ट्रेस इन अ सर्कुलर सेक्शन इज, दोनों का रेशियो पूछा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड एवरेज शियर स्ट्रेस, तो ये शियर स्ट्रेस इन अ सर्कुलर सेक्शन में क्या होता है, ये शियर स्ट्रेस अपन इससे निकालते हैं, टाउ इक्वल टू होता है पी अपॉन आई, आई
अबाउट अनदर न्यूट्रल एक्सिस, पी हमारा क्या है शियर फोर्स है, ए एरिया हो गया, वाई बार क्या है हमारी डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, और अपॉन में बी विड्थ हो गई। ठीक है, तो ये अपन ने एक सेक्शन लिया है, इसका सर्कुलर सेक्शन में एक सेक्शन लिया है, न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसका सेंट्रोइड जो रहेगा वो वाई बार हो जाएगा, तो वो कितना होता है 4 आर अपॉन में 3 पाई, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, तो ए वाई बार क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रखेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 × 4 आर अपॉन में 3 पाई, तो ये कितना होगा 2/3 × r³। और आई हमारा कह रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/64 d^4, इसको आर के टर्म में लिखेंगे तो पाई आर 4 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपन एरिया की और वाई बार, ए वाई बार की और आई की, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे पी अपॉन में पाई आर 2^4 अपॉन में 4 × 2/3 r³ अपॉन में बी, विड्थ हमारी क्या हो जाएगी ये डायमीटर के बराबर या 2 आर के बराबर, तो ये 2 आर रख दिया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है 4/3 × p/r² तो p/r² क्या है एरिया, p/a हो जाएगा, तो जो एवरेज स्ट्रेस होती है शियर स्ट्रेस वो एवरेज स्ट्रेस क्या होती है हमारी p/a, तो ये कितना आ गया टाउ मैक्स इक्वल टू क्या आ गया 4/3 टाउ एवरेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सर्कुलर सेक्शन में कितना होता है 2 4/3 टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 346, द स्ट्रेस एट द बाउंड्री ऑफ द कर्न इज, तो स्ट्रेस कहाँ क्या होती है 0 होती है बाउंड्री पर। ठीक है, ये अभी अपन देख चुके हैं, ये यहाँ पे जो बाउंड्री रहती है बाउंड्री पर जो स्ट्रेस होती है वो क्या होती है 0 होती है, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट, कर्न ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर डी इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर एरिया हैविंग ए डायमीटर ऑफ, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर एरिया कर्न जो रहेगा कोर क्या रहेगा हमारा देख लेते हैं, इसमें वही अपन अप्लाई करेंगे मिडिल फोर्थ रूल कहलाएगा ये, ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए जेड अपॉन ए, या फिर आई सिग्मा मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तो सिग्मा डी डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस में सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे अपन कर रहे हैं ई शुड बी लेस देन आई अपॉन बाई इंटू ए हो जाएगा, और आई की वैल्यू क्या होती है π/64 d^4, और बाई की क्या होती है d/2 × में एरिया 1/π/4 d² इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 से ये गया 64, ये हो जाएगा 8 बचेगा, और d² से d³, ये 3d³ है और ये क्या होगा d4 है, तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा d बचेगा, तो ये इसेंट्रिसिटी कितनी आती है d/8। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पुट करेंगे ये इसेंट्रिसिटी अपन ने इस डायरेक्शन में ली d/8 और इस डायरेक्शन में ली d/8, तो ये जो छोटा वाला जो सर्कल बनेगा उसकी डायमीटर कितनी रहेगी हमारी d/4, तो ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में पूछा गया है कि इसकी डायमीटर कितनी होगी, तो ये क्या होती होगी फ्रेंड्स ये होगी हमारी d/4, तो ऑप्शन नंबर एक शुड ए क्या होगा करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, द मिनिमम लिमिटिंग लोड एट विच द कॉलम टेंस टू हैव लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज, तो मिनिमम लिमिटिंग लोड क्या होते हैं सारे रहते हैं, तो फेलर ऑफ कॉलम एंड स्टड्स किसके कारण होता है, वैन ए कॉलम और स्टड इज सब्जेक्टेड टू सम कंप्रेसिव फोर्स देन द कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूज, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूज होती है वो क्या होती है सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए, तो जैसे जैसे अपन लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं तो वो क्या होता है क्रशिंग के कारण फेल होता है और बकलिंग के कारण फेल होता है, दोनों के कारण फेल हो सकता है, तो जो लॉन्ग कॉलम होते हैं फेल ड्यू टू बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड और क्रिपलिंग लोड, जो बकलिंग लोड होता है उसी को क्रिटिकल लोड भी बोलते हैं और क्रिपलिंग लोड भी बोलते हैं, ये किस में स्ट्रांग होते हैं स्ट्रांग इन क्रशिंग, क्रशिंग में स्ट्रांग होते हैं, ये हमारा लॉन्ग कॉलम है इस तरीके से ये लोड लग रहा है पी, ठीक है इस तरीके से बकल करता है बकलिंग होती है तो ये बकलिंग फोर्स लगता है, ठीक है बकलिंग फोर्स बोल भी बोलते हैं इसको, और क्रिटिकल लोड भी बोलते हैं या क्रिपलिंग लोड, क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड इसलिए बोलते हैं जैसे इस लोड से अगर ज़्यादा होगी वैल्यू, ठीक है जैसे ही इस लोड से ज़्यादा लोड लगाने लगेंगे तो वो कॉलम हमारा क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मीडियम कॉलम जो होते हैं वो किसके कारण फेल होते हैं बकलिंग और क्रशिंग दोनों के कारण, और जो शॉर्ट कॉलम होते हैं फेल्स ड्यू टू क्रशिंग, क्रशिंग के कारण फेल होते हैं, ये हमारे शॉर्ट कॉलम है इस पर लोड लगाएंगे तो ये किसके कारण फेल होगा क्रशिंग के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या होते हैं स्ट्रांग इन बकलिंग, बकलिंग में स्ट्रांग होते बकल नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा एनी ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 349,
ए टॉवर इज टू बी डिजाइन टू हैव सेम कंप्रेसिव स्ट्रेस एट ऑल सेक्शंस अंडर ए लोड एंड इट्स ऑन वेट इट्स क्रॉस सेक्शन शुड बी ऑफ द सेम। तो इसका क्रॉस सेक्शन किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में पूछा गया है। अगर टॉवर को अपन डिजाइन कर रहे हैं जिसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो उसके अंदर सेम हो सभी क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम कोई कॉलम लेते हैं इस तरीके से, ये हमारा कॉलम है, इस पर लोड लगा दिया, ये कंप्रेसिव लोड, ठीक है। तो इसमें अगर इस तरीके का सेक्शन ले रहे हैं अपन, टेपर सेक्शन, यूनिफॉर्म, ये हमारा यूनिफॉर्म सेक्शन है, ठीक है, यूनिफॉर्म सेक्शन में लेंगे तो इसमें क्या होगा, जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है हमारे, इस पे जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो क्योंकि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इस तरीके से होता है हमारा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस पर क्या होती है, जीरो हो जाती है, और यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है स्ट्रेस का। ऐसे ही अगर टेपर सेक्शन लिया जाएगा तो उसमें भी क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ओनली अगर हम इस सेक्शन की जगह क्या लें, पैराबोलिक सेक्शन लेंगे, तो पैराबोलिक सेक्शन में क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 350। द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर लॉन्ग कॉलम इज, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज यूज टू कंपेयर बकलिंग लोड ऑफ डिफरेंट कॉलम्स मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, सेम हो, मटेरियल भी सेम हो, तो उनको उनके बकलिंग लोड को कंपेयर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो का। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल ई अपॉन में के, एल ई क्या होती है यहाँ पे, इफेक्टिव लेंथ होती है, और के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। यहाँ पे के इक्वल टू होता है अंडर रूट में आई अपॉन ए, आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अगर सिग्मा ई बकलिंग लोड निकालते हैं, बकलिंग स्ट्रेस, बकलिंग स्ट्रेस जो निकलती है वो हमारी निकलती है पाई स्क्वायर ई अपॉन में एस स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद कर लेना फ्रेंड्स, ये होता है बकलिंग स्ट्रेस, बकलिंग स्ट्रेस पाई स्क्वायर ई अपॉन में एस स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा जो है हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एस स्क्वायर। तो जैसे जैसे अपन एस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो बकलिंग टेंडेंसी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। बकलिंग टेंडेंसी जो पी ई की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेस इंक्रीज होगी, पी ई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज करेगी। पी ई हमारा क्या है, सेफ लोड है, सेफ लोड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और बकलिंग टेंडेंसी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे बकलिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो वो हमारा क्या होंगे, लॉन्ग कॉलम बकलिंग के कारण फेल होते हैं, तो स्लेंडरनेस रेशियो सबसे ज़्यादा किस में होगा, लॉन्ग कॉलम्स के लिए होगा, ठीक है। तो स्लेंडर, अगर स्टील कॉलम्स की बात करें तो स्टील कॉलम्स में जो रेशियो रहता है, स्लेंडरनेस रेशियो अगर 30 से कम है तो क्या कहलाते हैं, शॉर्ट कॉलम होते हैं। मीडियम कॉलम कौन से होते हैं, 30 से 100 तक, और 100 से अगर ऊपर है स्लेंडरनेस रेशियो तो वो हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग कॉलम्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें लिया गया है लेस देन 32 लिया गया है उसको, तो मोर देन 120, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 351। फॉर कीपिंग द स्ट्रेस होली कंप्रेसिव द लोड मे बी अप्लाइड ऑन ए सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर डी एनी वेयर विद इन ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ फॉलोइंग डायमीटर। तो अपन ये देख चुके हैं कैसे आता है, ये सर्कुलर सेक्शन है हमारा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसकी डायमीटर कितनी होती है, डी बाई फोर, अगर ये इसकी डायमीटर क्या है, डी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी डायमीटर डी है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डायमीटर हमारी क्या आती है, डी बाई फोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 352। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए वर्टिकल कॉलम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर ऑन एज एंड 3 मीटर लॉन्ग इज। तो इसकी जो क्रॉस सेक्शन दिया गया है वो क्या है, हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, और जो इसकी लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है, 3, जो इफेक्टिव लेंथ है वो 3 मीटर दी गई है। तो स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है हमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल ई अपॉन के, के क्या होता है अंडर रूट में आई अपॉन ए, ये इस तरीके से क्रॉस सेक्शन दिया गया है, एल इक्वल टू 3 मीटर, 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर। तो आई की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो ए टू द पावर 4 अपॉन में 12 हो जाएगा, और एरिया ए स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन आई अपॉन ए निकालेंगे, ए टू द पावर 4 अपॉन में 12 इंटू में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन में 12, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू में 2.5 अपॉन में 12, तो ये कितना आएगा, आई अपॉन ए की वैल्यू आएगी 0.520।
अगर के की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट में आई अपॉन ए, तो ये कितना आएगा 0.721, ठीक है। और स्लेंडरनेस रेशियो क्या आ जाएगा, एल ई अपॉन में के, तो 300/0.721, तो ये कितना आएगा 416, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम इज़ लेस देन 32, इट इज़ नॉन एज, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, शॉर्ट कॉलम कहलाएंगे। स्लेंडरनेस रेशियो 32 से कम है तो शॉर्ट कॉलम, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। द इक्वेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम सपोर्टेड फर्मली एट बोथ एंड्स, सपोर्टेड फर्मली मतलब अगर क्या है, कोई कॉलम है वो क्या है, फिक्स्ड है दोनों एंड्स पर, ये हमारा कॉलम है दोनों एंड्स पर क्या है, फिक्स्ड है। सपोर्टेड फर्मली मतलब फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, तो ये कंडीशन है हमारी, एंड कंडीशन ये है, बोथ एंड हिंज्ड, अगर दोनों एंड कैसे हैं, हिंज्ड हैं, तो हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है वो किसके बराबर होती है, एक्चुअल लेंथ के बराबर होती है, ठीक है। और वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज़ फ्री, एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा फ्री है, तो उसके लिए जो इफेक्टिव लेंथ रहती है ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल लेंथ या एक्चुअल लेंथ, अगर दोनों फिक्स्ड हैं तो ये क्या होती है, एल इक्वल टू एल बाई टू, ठीक है। और वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड, अगर एक फिक्स्ड है और एक हिंज्ड है, तो उसके लिए एल ई जो इफेक्टिव लेंथ है वो क्या होती है, एल अपॉन अंडर रूट में टू। तो इसमें क्या पूछा गया, फिक्स्ड के लिए पूछा गया, तो फिक्स्ड के लिए क्या है, एल ई इक्वल टू एल बाई टू, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 0.5 L, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 355 में पूछा है, द इक्वेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम सपोर्टेड फॉर्मली एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड, एक एंड पर क्या है फिक्स्ड है और दूसरे एंड पर क्या है फ्री है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, तो एल ई की वैल्यू क्या आती है, ट्वाइस ऑफ एक्चुअल लेंथ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।